अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर नंबर 3 का जो लास्ट टॉपिक्स हैं वो हमारे पास कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक्स हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं ज़्यादातर। तो जो पहला टॉपिक है वो जी है आपके पास बैंकिंग ऑफ द रोड्स। ठीक है, बैंकिंग ऑफ द रोड्स से क्या मुराद है? आप देखते होंगे जब किसी जगह रोड के ऊपर मोड़ होता है तो रोड की बाहर वाली साइड जो है वो अंदर वाली साइड से थोड़ी ऊंची होती है। ठीक है, अब वो क्यों ऊंची होती है वही बेसिकली हमें आज बताया जाएगा बैंकिंग ऑफ द रोड्स में। बैंकिंग ऑफ द रोड्स से क्या मुराद है जी? बैंकिंग ऑफ अ रोड्स मीन्स दैट द आउटर एज ऑफ अ रोड इज़ राइज्ड। बैंकिंग ऑफ द रोड से मुराद ये है कि रोड की जो बाहर वाली सरफेस है उसको ऊंचा करके बना दिया जाए, तो उससे क्या मुराद है? बैंकिंग ऑफ द रोड्स। अब बैंकिंग ऑफ द रोड्स में होता क्या है? बैंकिंग कॉजेज अ कंपोनेंट ऑफ व्हीकल्स वेट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। वो जो रोड की बाहर वाली सरफेस को ऊंचा करके बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब गाड़ी मोड़ मुड़ेगी तो उसको जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है उतनी उसको मिलती है। किस वजह से? रोड की बाहरली सरफेस को ऊंचा बनाने की वजह से। ठीक है, वाइल टेकिंग अ टर्न, जब वो मोड़ ले रही होती है, यानी जब गाड़ी उस रोड के ऊपर मोड़ मुड़ेगी तो उस रोड की बाहर वाली सरफेस को ऊंचा इसलिए बनाया जाता है ताकि उस गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी मिले और वो आसानी से मुड़ जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है तो उसके टायरों और रोड के दरमियान फ्रिक्शन पाई जाती है, तो जब वो गाड़ी मोड़ मुड़ेगी उस रोड के ऊपर तो जो टायरों और रोड के दरमियान फ्रिक्शन होगी वो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी प्रोवाइड करेगी जितना उसने मुड़ना है। तो अगर रोड की सरफेस ऊंची बनाई गई है बाहरली मोड़ के दरमियान तो वो जो फ्रिक्शन है वो उसको जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए है उतनी उसको मिलेगी और वो गाड़ी वो क्या जी मुड़ जाएगी। अच्छा जी, द बैंकिंग ऑफ द रोड प्रिवेंट्स स्किडिंग ऑफ द व्हीकल्स। अब बैंकिंग ऑफ द रोड का एक और भी फ़ायदा ये है कि गाड़ी स्किड नहीं करती है। स्किड किस वक्त करती है? जब रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन क्या हो जी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फ्रिक्शन स्किडिंग में कन्वर्ट हो जाती है एंड दस मेकिंग द ड्राइविंग सेफ। और फिर वो गाड़ी जो है आप सेफली ड्राइव करते हैं, मतलब कहने का कि एक्सीडेंट से वो गाड़ी बच जाती है। तो गोयास बैंकिंग ऑफ द रोड से क्या मुराद है जी? बैंकिंग ऑफ द रोड से मुराद ये है कि रोड की बाहर वाली सरफेस को आप ऊंचा करके बना दें, तो जब गाड़ी मोड़ मुड़ेगी तो उसको जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स मोड़ मुड़ने के दरमियान चाहिए है रोड और टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी वो उसको उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। और इसका फ़ायदा क्या है जी? कि हमारे पास गाड़ी स्किडिंग नहीं करती है और एक्सीडेंट से बच सकती है और आप जो है वो सेफली ड्राइव कर सकते हैं उस मोड़ के ऊपर भी। नेक्स्ट क्या है जी? वॉशिंग मशीन ड्राई। आपने घरों में वॉशिंग मशीन देखी होगी, इकट्ठी ही पैनल बने होते हैं, एक पैनल में कपड़े को धोया जाता है और फिर साथ वाले पैनल में उसको सुखाया जाता है। अब वो जिस पैनल के अंदर कपड़ों को डाल के सुखाया जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वॉशिंग मशीन ड्राई। ठीक है, यानी वॉशिंग मशीन के अंदर सुखाने वाला हिस्सा। द लिड ऑफ द सिलेंड्रिकल रोटर, इसमें एक होता है रोटर। ठीक है, यानी बास्केट की तरह बना होता है, सिलेंडर की तरह बना होता है, तो उसके अंदर क्या करना है जी? हमने कपड़ों को डाल देना है। वो कपड़े क्या होंगे? अभी गीले होंगे, तो जब हमने गीले कपड़े हैं उस सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर डाल दिए हैं और लिड ऑफ द सिलेंड्रिकल रोटर क्या जी? क्लोज कर दिया है, यानी ढक्कन हमने उस सिलेंड्रिकल रोटर का उस बास्केट का बंद कर दिया है जब हमने गीले उस कपड़े उसके अंदर डाले हैं। When it spin at a high speed, जब वो बहुत तेज़ी के साथ घूमेगी, the water from the wet cloth is forced out, तो वो जो गीले कपड़ों के अंदर पानी है वो क्या होगा जी? उनको बाहर की तरफ निकालने पर मजबूर किया जाएगा, यानी कपड़ों में से बाहर की तरफ निकालने पर मजबूर किया जाएगा through the holes, सुराख में से, due to lack of centripetal force, centripetal force की कमी की वजह से। यानी जब आपने गीले कपड़े डाले उस बास्केट के अंदर, उसका बटन ऑन किया, उसने तेज़ी के साथ घूमना शुरू कर दिया, जैसे ही वो तेज़ी के साथ घूमेगा सिलेंड्रिकल रोटर, तो कपड़ों में से जो पानी है वो होल्स सुराख में से
वो होल्स किस चीज़ के बने होंगे, बास्केट के बने होंगे, ठीक है, सिलेंड्रिकल रोटर के। तो जैसे ही वो तेज़ी के साथ रोटर घूमेगा तो पानी इन कपड़ों में से जो कि गीले हैं अभी, क्या होगा जी, तेज़ी के साथ होल्स में से, सुराख में से निकलना शुरू हो जाएगा। किस क्यों निकलेगा, क्योंकि अब वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी होना शुरू हो गई है। और किस चीज़ की ज़्यादती हो गई है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, या आप कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी की वजह से उन गीलों कपड़ों में से पानी सुराख में से बाहर निकलता जाएगा। ये कौन सी एप्लीकेशन है, वॉशिंग मशीन ड्रायर की, ठीक है। बैंकिंग ऑफ द रोड हमने एप्लीकेशन पढ़ी किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशन। वॉशिंग मशीन रोटर एप्लीकेशन किस चीज़ की है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। लास्ट हमारे पास है क्रीम स्प्रेडर। अब क्रीम स्प्रेडर आपने देखा होगा घरों में मक्खन बनाया जाता है, ठीक है, दही के अंदर जब हम मशीन डाल के उसमें से मक्खन बनाते हैं, लस्सी इलादा हो जाती है और मक्खन इलादा हो जाती है। ये वो आप देखेंगे कि क्रीम स्प्रेडर क्या होता है, अ स्प्रेडर इज़ अ हाई स्पीड स्पिनर। स्प्रेडर क्या होता है कि जी, एक स्पिनर होता है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत तेज़ी के साथ वो क्या करता है जी, घूमता है। द बाउल स्पिन एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है, वो जो उसके अंदर बाउल है वो बहुत तेज़ी के साथ घूमता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कॉजिंग द हैवियर कंटेंट ऑफ द मिल्क टू मूव आउटवर्ड। जब वो तेज़ी के साथ घूमता है तो जो दूध के भारी चीज़ें हैं, यानी दूध के अंदर जो भारी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी जी, मूव करके बाहर की तरफ आ जाएंगी। इन द बाउल, बाउल के अंदर, पुशिंग द लाइटर कंटेक्ट, और जो वो हल्के होंगे वो क्या हो जाएंगे जी, इनवर्ड आ जाएंगे, यानी जो भारी कंटेक्ट होगा, भारी चीज़ें होंगी वो बाहर इकट्ठी होती जाएंगी, और जो लाइटर होंगी यानी जिनका कम होगा वेट, वो उस बाउल के दरमियान में, बाउल के पास पास करीब होना शुरू हो जाएंगी जहाँ पर वो स्पिन कर रहा होगा। यानी वो जैसे घूम रहा है तो घूमने के दौरान, ठीक है, एक वक्त आएगा कि जो भारी चीज़ें हैं वो साइड पे होती जाएंगी और जो लाइटर चीज़ें हैं वो उस स्पिनर के करीब ही इकट्ठी होती जाएंगी। नाउ क्रीम और बटर फैट इज़ लाइटर देन अदर। अब दो ही चीज़ें, क्रीम या वो मक्खन जैसे हम कहते हैं, वो जो बटर फैट है वो क्या होता है जी, हल्का होता है, किसकी नस्बत, दूध के बाकी कंपोनेंट्स, इन दूध के बाकी अज़ा की नस्बत हमारे पास जो उसमें क्रीम है, जो मक्खन है, वो क्या है जी, हल्का होता है, ठीक है। इसी वजह से वो जो स्किम्ड मिल्क है वो क्या होता है जी, विच इज़ डेंसर देन द क्रीम, उस क्रीम से क्या होता है जी, डेंसर होता है। यानी क्रीम या बटर फैट जो है वो क्या होते हैं जी, लाइटर होते हैं। स्किम्ड मिल्क से मुराद ये कि जो हमने मिल्क को मशीन, जो जिस मिल्क के अंदर हमने मशीन डाल के उसको मूव करवाया था, वो क्या हो जी, स्किम्ड मिल्क हो गया जी, स्किम्ड मिल्क हो गया जी। वो क्या होता है जी, क्रीम की निस्बत डेंसर होता है और कलेक्टेड एट द आउटर वॉल ऑफ द बाउल, और वो बाउल के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी जो क्रीम और बटर फ्लैट है जो कि लाइटर हैं, किससे, कंपोनेंट के, दूध के कंपोनेंट से, ठीक है, और जो स्किम्ड मिल्क है वो क्या जी, डेंसर है क्रीम से, वो आउटर वॉल ऑफ द बाउल, बाउल के बाहर की वाल के साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और जो लाइटर हैं वो उसके स्पिनर के करीब करीब इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्रीम स्वेटर शार्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जो इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं वो मैंने टेक्स्ट बुक में से आपके सामने नोट कर ली हैं, ताकि आप आसानी से यहाँ से नोट कर लें। तो लिहाजा ये बैंकिंग ऑफ द रोड ये आपने नोट कर लेना है, वॉशिंग मशीन ड्रायर का ये नोट कर लें आप, और क्रीम स्वेटर का ये नोट कर लें। दो नंबर का ये सवाल शार्ट क्वेश्चन में कई दफ़ा आता है। बैंकिंग ऑफ द रोड के बारे में पूछ सकता है, डिफाइन बैंकिंग ऑफ द रोड, व्हाट इज़, या व्हाट इज़ मेंट बाय बैंकिंग ऑफ द रोड, या व्हाट डू यू नो अबाउट बैंकिंग ऑफ द रोड्स, या वो कह सकता है कि व्हाट इज़ वॉशिंग मशीन ड्रायर, या राइट अबाउट द वॉशिंग मशीन ड्रायर, या व्हाट इज़ क्रीम स्प्रेडर, ठीक है, या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रीम स्प्रेडर। तो ये शार्ट क्वेश्चन का, शार्ट क्वेश्चन दो नंबर का सवाल आ सकता है, ठीक है, शार्ट क्वेश्चन में। तो ये आप अपने पास नोट कर लें, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, होप सो आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो आप पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।